Hello students, good morning. Yesterday we have completed question answer of exercise B, and today we will see question answer of exercise C. Okay, let's see. Now see, exercise C, answer these questions. First one, what according to the poet do we really say? What according to the poet, कवि के अनुसार हम वास्तव में क्या बचाते हैं? ओके, सीधा आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएट वी रियली सेव व्हाट वी गिव अवे. अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार वास्तव में हम क्या बचा पाते हैं? वी रियली सेव व्हाट वी गिव अवे. जो कुछ हम दूसरों को देते हैं, जो दूसरों में देते हैं, दूसरों को देते हैं, वही वास्तव में हम बचा पाते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर टू, हाउ डू वी बिल्ड ट्रेजर्स इन हेवन. ट्रेजर्स खजाना, हेवन स्वर्ग में. हम किस प्रकार से स्वर्ग में खजाना बनाते हैं, मतलब अपना अपनी जो है वैल्यू, अपनी इम्पोर्टेंस, वहां पर हमारा बहुत ही ज्यादा महत्व किस बात से बढ़ता है, या हमारा हमारी कीमत वहां पर बढ़ती जाती है, हमारा खजाने के रूप में जो हमारी कीमत है वो बढ़ती जाती है, तो किस प्रकार से? सीधा आंसर, वोट बी and share on earth wills treasures in heaven. What we give, जो कुछ भी हम देते हैं, and share, और जो कुछ भी जब तक हम धरती पर हैं, मतलब यहाँ पर हम जो कुछ भी दूसरों को देते हैं या लोगों को बांटते हैं, वही क्या बनाता है, हमारी हमारे लिए खजाना, खजाने के रूप में स्वर्ग में वही बनता रहता है. ओके, and question number three, what should be give freely. हमें क्या चीज है जो खुलकर देना चाहिए, क्या चीज? So, सीधा आंसर, we should give freely of our wealth, time and blessings. तो हमें क्या चीज है जो खुलकर लोगों में बांटना चाहिए, लोगों को देना चाहिए? We should give freely of our wealth. Wealth means संपत्ति, हमारे पास जो कुछ भी है उसे हम को खुलकर लोगों में दान करना चाहिए, लोगों को देना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, अपना समय और अपना आशीर्वाद, अपनी दुआएं लोगों को देनी चाहिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, टुडे यू हैव टू डू क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 इन योर होमवर्क. ओके, एंड टुमारो आई विल गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन सी होमवर्क. राइट 1 to 3 क्वेश्चन आंसर ऑफ एक्सरसाइज सी ऑफ लेसन 6.